आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 2756 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 318,346। वहीं उत्तराखंड में 261,328 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 45,568 केस एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 81 मरीजों की हुई मौत। डोईवाला टोल टैक्स आंदोलन की सफलता के बाद अब उक्राइन ने नेपाली फार्म स्थित बन रहे टोल प्लाजा के निर्माण के विरोध में हल्ला बोल दिया है। यूकेडी के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमुअल की अगुवाई में पहुंचे दर्जनों यूकेडी कार्यकर्ताओं ने निर्माण में लगी जेसीबी मशीन पर चढ़कर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड क्रांति दल आज नेपाली फार्म पे जो टोल प्लाजा बनने जा रहा है उसके विरोध में यहाँ पर हमारा प्रदर्शन था, और हमने साफ अल्टीमेटम दिया है कि मात्र 30 किलोमीटर के दायरे में, जब पहले से ही लच्छीवाला में एक फ्लाईओवर ऑलरेडी बना दिया है, मात्र 30 किलोमीटर के दायरे में दूसरा फ्लाईओवर क्यों बनाया जा रहा है, और राजाजी पार्क की बाउंड्री से ये लगा हुआ है, तो हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। और अगर एक हफ्ते के अंदर ये निर्णय नहीं बदला गया तो हम लोग स्थानीय जनता के साथ इसके विरोध में जन आंदोलन शुरू करेंगे। हरिद्वार 10 दिनों से बंद वैक्सीनेशन का काम फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में वैक्सीन की डोज न आने की वजह से पिछले 10 दिनों से वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी तरह से बंद था। 18 से 45 तक के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन वैक्सीन की कमी से तकरीबन 140 वैक्सीन सेंटरों पर ताला लटक गया था। हालांकि शनिवार को हरिद्वार में 15,000 वैक्सीन पहुंच चुकी है, जिसके बाद तकरीबन 44 टीकाकरण सेंटरों पर वैक्सीनेशन का काम फिर से शुरू हो जाएगा। देवाल विकासखंड के लोग इन दिनों अपने सिस्टम और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। देवाल विकासखंड के बोरागाड में हॉस्पिटल तो है, लेकिन डॉक्टर कहाँ है? यहाँ स्थिति एलोपैथिक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 6 महीने से ताला लटका हुआ है, जिसकी वजह से इस अस्पताल पर निर्भर 22 गांव के ग्रामीणों को छोटी मोटी बीमारी के लिए भी दवा लेने या इलाज करने के लिए देवाल और थराली का रुख करना पड़ता है। दरअसल पूर्व में यहाँ तैनात फार्मासिस्ट के दिसंबर महीने में निधन के बाद से ही यहाँ अस्पताल में ताला जड़ा हुआ है, और ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वास्थ्य महकमे से यहाँ फार्मासिस्ट और चिकित्सक की तैनाती के लिए कई ज्ञापन भी भेजे गए। बावजूद इसके अब तक ना तो यहाँ कोई चिकित्सक और ना ही फार्मासिस्ट भेजा गया है। इससे पहले कंटिन्यू चलता था, जिस समय से भरत सिंह नेगी जी फार्मासिस्ट यहाँ पर थे उनकी डेड हुई, उसके बाद इसमें ताला लटका हुआ है। उसके बाद दो बार तीन बार मैं सीएमओ साहब के पास गया, सीएमओ साहब जी ने भी हमको आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ पर कोई फार्मासिस्ट या डॉक्टर भेजेंगे। अभी तक यहाँ पर ताला लगा हुआ है सर। 7 महीने से लगभग पिछले 7 महीने से यहाँ पर जो फार्मासिस्ट है नेगी जी, उनकी डेथ होने के बाद यहाँ पर कोई फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं हो पाई है, और लगातार यहाँ के क्षेत्र पंचायत जी और मेरे द्वारा भी कई बार सीएमओ साहब से बातचीत की गई, लेकिन बीच में सबकी ड्यूटी कुंभ में होने के कारण यहाँ पर नियुक्ति नहीं हो पाई, और हाल ही में मेरी बात फिर सीएमओ साहब से हुई है, और मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 दिन के भीतर हमें यहाँ पर फार्मासिस्ट मिलेगा। बड़ी दयनीय है, बोरागाड हमारा जो है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, परंतु यहाँ जो है 7 महीने से यहाँ पर ताला लटका हुआ है, जिससे जो है स्थानीय जो 15-20 जो हमारे गांव हैं उनको भी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। अभी बोरागाड़ में जो प्राइमरी चिकित्सालय है वहाँ का जो संचालन था पूर्व में एक फार्मासिस्ट के द्वारा किया जा रहा था, उनकी मृत्यु लगभग 7-8 महीने पहले हो गई थी, तो तब से उसमें पत्राचार भी किया गया है सीएमओ साहब को। सीएमओ साहब के द्वारा वहाँ पे एक नए टेलीफोनिक तौर पे अवगत कराया गया है कि वहाँ के लिए फार्मासिस्ट को नियुक्त कर दिया गया है, बहुत जल्दी ही 2-3 दिन में मेरी वहाँ पे फार्मासिस्ट आ गए। हल्द्वानी के वंदे मातरम संस्था के शैलेंद्र दानू और उनकी टीम कोविड काल में हर जरूरतमंद की मदद में जुटी हुई है। हॉस्पिटल में कोविड के मरीजों को प्लाज्मा दिलाने से लेकर किसी को ब्लड दिलाना हो तो लगातार लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। क्षेत्र पंचायत प्रमुख जखोली प्रदीप थपलियाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखोली और 4 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों सहित ब्लॉक की 25 ग्राम पंचायतों में कोविड मेडिकल सामग्री सहित जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित की। मंगलवार को ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखोली पहुंचकर सीएचसी जखोली, रणधार, बक्सीर और घेंगड़खाल स्वास्थ्य केंद्रों पर 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अन्य मेडिकल सामग्री शक्ति फाउंडेशन और डॉक्टर महेश भट्ट के सौजन्य से वितरित की। खानपुर विधानसभा कस्बा लंडोरा के रंग महल लंडोरा में कल विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की ओर से निशुल्क कोविड टेस्ट कैंप लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों का आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें लगभग 50 लोगों से अधिक ने अपना कोरोना की जांच कराई। हालांकि जांच कराने में महिलाएं भी आगे रही।
पचवादून बार एसोसिएशन डोईवाला के अधिवक्ताओं द्वारा उप जिलाधिकारी डोईवाला के माध्यम से जिलाधिकारी जिला देहरादून और मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन को एक ज्ञापन और प्रभारी निरीक्षक डोईवाला के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला देहरादून को एक ज्ञापन चार सूत्रीय समस्या से अवगत कराते हुए राहत की मांग की है। काफी अधिवक्तागण घर ही बैठे हैं अपने और अधिकांश संख्या उनमें से ऐसे अधिवक्ताओं की है जो युवा हैं और ये कह सकते हैं कि उनके पास उनकी आय का कोई अन्य साधन नहीं है, कोई सोर्स नहीं है और ये बड़ी कठिनाई का दौर चल रहा है और ऐसे समय में अधिवक्ताओं की सरकारी सहायता किया जाना बहुत आवश्यक है और हमारी यही गुजारिश है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है, माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है हमारे डोईवाले के SDM साहब महोदय के माध्यम से और इन्हीं बातों को उसमें उजागर किया है। जो समस्या अधिवक्ताओं के आगे आ रही है उनको अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम अधिवक्ताओं की चार मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय देहरादून और उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है हमने, जिसमें अनुरोध किया गया है कि न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जरूरी वाद है जो उनकी सुनवाई शुरू हो गई है तो उसके लिए हमने मांग की है कि जो कार्यालय वकीलों के भी खोलने की अनुमति नहीं है वो अनुमति हमें प्रदान की जाए। दूसरा हमारा है कि आने जाने में अधिवक्ताओं को काफ़ी समस्याओं का दिक्कत आ रही है और पुलिस प्रशासन द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, उसके लिए अधिवक्ताओं को अनुमति प्रदान करें, इस तरह की कोई उसको व्यवधान उत्पन्न न हो। तीसरी मांग हमारी ये है कि अधिवक्ताओं के बारे में माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में भी टिप्पणी करी है कि ये कोरोना वॉरियर के रूप में इस तरह से काम करते हैं तो सरकार को उन्होंने आदेशित किया है कि इनका भी टीकाकरण किया जाए। मुंशियारी ब्लॉक की ग्राम पंचायत कोटवाल गांव में बीते 18 मई को स्वास्थ्य विभाग मुंशियारी द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंदोला के नेतृत्व में कोटवाल गांव में ही कैंप लगाकर ग्रामीणों की RT-PCR कोरोना जांच की गई थी, जिसमें 100 से अधिक ग्रामीणों की RT-PCR कोरोना जांच की गई। वहीं बताया जा रहा है कि 9 ग्रामीण RT-PCR टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। ग्राम सभा कुमराड़ा में आई आपदा से कुछ घर ऐसे हैं जो बिल्कुल ध्वस्त पड़े हैं और वहां के लोगों का जनजीवन पंचायत घर में चल रहा है। दीपा देवी जिनका घर आपदा में ध्वस्त हो चुका था और वो अपने परिवार के साथ गांव के पंचायत घर में एक छोटे से कमरे में रह रही है। यमुनोत्री विधानसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अरुण नौटियाल ने शासन प्रशासन से इस पीड़ित परिवार के लिए गुहार लगाई। इस मौके पर OBC प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव उर्वी दत्त गैरोला और चिन्याली सौड़ के ब्लॉक अध्यक्ष नंद किशोर और शंकर मौजूद थे। आड़ा में जो आई विगत कुछ दिनों में जो आई आपदा से हमारे बीच में माता श्रीमती दीपा देवी जी इनका पूरा घर क्षतिग्रस्त हुआ है और अभी ये ग्राम सभा के पंचायती घर में रह रहे हैं जहाँ पर सिर्फ एक कमरा है, इसी कमरे में किचन है इनके पास और इसी में पूरा परिवार है, 7-8 लोग हैं। तो मैं सरकार और प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि इनके लिए सबसे पहले रहने की उचित व्यवस्था की जाए, रहने की व्यवस्था, कोरोना काल में रहने की व्यवस्था मिलू मैं कुछ नहीं सोचना। मैं शासन और प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द इनके लिए रहने की उचित व्यवस्था की जाए। राणा तो थोड़ी बहुत वे कारी और हमारी कोई सुनाई नहीं और आ जाए कि 2-4 दिन आए लोग बाद कोई नहीं आ जाए कि बोले करना कि क्या पंचायत घर में रहने लग गया। अब भैया ने हम चाहने लगे कि सरकार कुछ हमारी मदद करो है बस। सर पहले तो इनको रहने के लिए जो है घर दिया जाए, सबसे पहले ये है कि इनको पहले रहने का आश्रय तो होना ही चाहिए। बात है कि खाने पीने की तो चलो एक आध खेत इनके पास होगा या नहीं होगा उसकी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन इनके लिए सबसे पहले जो सरकार को देखना चाहिए वो ये है कि इनके लिए पहले रहने का आश्रय हो जाए। ये पंचायत भवन में रह रहे हैं, यहाँ पानी वैसे भी आ रहा है तो आजकल कोरोना पहले ही है तो ऐसी जगह तो जो है पहले जो है सिलन है दुनिया भर का। उड़ता पंजाब की तर्ज पर अब उत्तराखंड को नशे में घोल रहे दो बड़े सौदागरों को काशीपुर पुलिस ने पकड़ा है, जिनके पास से 1.5 करोड़ की स्मैक बरामद की गई है। बरेली से नशे का नेटवर्क चलाने वाले ये दोनों सौदागर लंबे समय से उत्तराखंड में नशे के कारोबार को अंजाम दे रहे थे, जिनका पूरा नेटवर्क बरेली से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों तक फैला है। काशीपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी पूरी रणनीति बना ली है। बरेली में भी काफी लोग हैं और यहाँ भी कुछ सप्लायर इनके ऐसे हैं जिनको ये सप्लाई करते थे, तो उनमें कुछ जानकारी हमारे पास मिली है और अभी बरेली जाकर हम इस संबंध में और ठोस जानकारी इस्तेमाल करेंगे
और फिर यहाँ कौन लोग कर रहे हैं और बरेली में कौन लोग कर रहे हैं, तो वहाँ की बरेली पुलिस की टीम के साथ मिलकर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ये भी जानकारी मिली है कि इनके द्वारा जो स्मैक का काम है वो सप्लाई जैसे रामनगर है या ऊपर के एरिया है वहाँ भी की जा रही थी, तो उसके संबंध में भी कुछ जो हमें अभी पुष्ट सूचनाएँ मिली हैं और अभी और उसको डेवलप किया जाएगा। बाहर की पुलिस की भी मदद ली जाएगी, दूसरे थानों की पुलिस की मदद हम लेंगे, उन लोगों को चिन्हित करेंगे और जल्दी ही आपको इसके सकारात्मक परिणाम दिखाएंगे। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीय मदद के लिए आगे आए हैं। मां नंदा के मायके नौटी की बेटी संजना कैलखुरा रतोड़ी और बेटा दीपक नौटियाल ने अमेरिका से कोरोना किट भेजी है। अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाले प्रवासियों की मदद से भेजी गई कोरोना किट उप जिला अस्पताल कर्णप्रयाग के अधीक्षक डॉक्टर राजीव शर्मा को सौंपी गई। सामाजिक कार्यकर्ता भुवन नौटियाल ने बताया कि कोविड महामारी से विदेश से आ रही मदद सराहनीय है। कोटाबाग विकासखंड के क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन और क्षेत्र पंचायत स्वास्थ्य समिति द्वारा कोविड सेंटर को सीएससी कोटाबाग से अनियंत्र खोलने की मांग की। वहीं कल कोटाबाग विकासखंड के क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन जिलाध्यक्ष और कोटाबाग ब्लॉक स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष गंगा सामंत के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य कोटाबाग को कोविड सेंटर न बनाए जाने के विषय में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर देवेश चौहान के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल को ज्ञापन भेजा। कोटाबाग क्षेत्र के वैक्सीनेशन केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग नैनीताल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटाबाग इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा हेल्प डेस्क लगाई गई। हेल्प डेस्क के माध्यम से दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले लोगों को वैक्सीनेशन के दौरान मदद की गई। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटाबाग इकाई द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग में, जो कोटाबाग क्षेत्र का एकमात्र वैक्सीनेशन केंद्र बनाया गया है, वहाँ पर हम लोगों ने लोगों की, जो भी हमारे यहाँ पर लोग आ रहे थे, उनकी मदद की। और हमारे प्रयास है कि जो दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के जो लोग भी वैक्सीनेशन से अभी भी महरूम हैं, हम लोग उन तक इस सुविधा को प्रोवाइड कराएं और अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन के लिए अपना प्री रजिस्ट्रेशन करें और वैक्सीनेट हों। हल्द्वानी के ऊंचा पुल में 28 से 44 वर्ष और 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाभार्थियों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। वहीं शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत के प्रतिनिधि विकास भगत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत के प्रयासों से वैक्सीन लगाई जा रही है। ऊंचापुर रामीला ग्राउंड में 18 से 44 वर्ष और 45 से जो सीनियर वर्ग है, तो दो ग्रुपों में यहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है। हमारे स्थानीय प्रशासन और यहाँ के शहरी विकास मंत्री बंसीधर भगत जी के द्वारा प्रयासों से यहाँ 18 से 44 वर्ष के आयु के वर्ग के लोगों को भी कल से यहाँ वैक्सीन लगना प्रारंभ हुआ है। वैक्सीन लगने का दबाव बहुत है, तो इसलिए ये केंद्र जो खुला है उससे जनता को काफ़ी राहत है और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से, शांत तरीके से वैक्सीन लगाई जा रही है, तो इससे क्षेत्रीय जनता को बहुत लाभ पहुंच रहा है। और जो जिस तरह शांति व्यवस्था बनाकर यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है, निश्चित तौर पर इससे एक बहुत अच्छा संदेश जाता है हमारी जनता के लिए। लॉकडाउन में खाद डीलरों की मनमानी किसानों पर भारी पड़ रही है। रबी फसल की बुआई के मद्देनजर जहाँ किसानों ने खाद की खरीद शुरू कर दी है, वहीं डीलरों द्वारा यूरिया को लेकर उनसे मनमानी रकम वसूली जा रही है। ऐसा ही एक मामला कस्बा लंडोरा से सामने आया है, जहां दुकानदार के ओवर रेट यूरिया बेचने पर किसानों का गुस्सा भड़क गया और गुस्सा किसानों ने दुकानदार का घेराव कर जमकर हंगामा काटा। हंगामे के दौरान किसान दुकानदार पर ओवर रेट यूरिया बेचने का आरोप लगाते नजर आए। यही नहीं, जब किसान ने मामले की वीडियो बनाने शुरू की तो व्यापारी और उसका नौकर किसानों के सवालों के जवाब देने के बजाय ओवर रेट पर यूरिया बेचने वाली बात से बचते नजर आए। भाजपा युवा मोर्चा के सहयोग से मसूरी के राज मंडी में लोगों को मास्क और जूस वितरित किए गए। इस मौके पर सभी को कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। सरकार द्वारा जारी कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों को घर में ही रहने के साथ बेवजह घर से बाहर न निकलने का आग्रह किया गया। बीते 18 मई को मुंबई हाई के पास उठे साइक्लोन ताऊते समुद्री तूफान चपेट में आने से P305 समुद्री जहाज डूब गया था, जिसमें सवार बागेश्वर के गरुड़ निवासी दो युवकों की भी मौत हो गई थी, जिनकी शिनाख्त अजय राणा निवासी रेठाड़ और दीपक रौतेला निवासी फलियांटी के रूप में हुई थी। आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ ही आज 24 वर्ष के जवान बेटे की अचानक हुई मौत के सदमे से मृतक अजय की माँ बदहवास नजर आई। अभी मैं बॉम्बे में ही जॉब करता हूँ, जब मुझे खबर मिली कि जो मतलब 305 क्रैश हो गया, तो उसमें बाद में मुझे खबर मिली कि उसमें अजय राणा भी कोई मतलब बंदा है, और मुझे जैसे मेरे
घर वालों ने मुझे बताया कि मतलब उनका जो मतलब सीप है वो पानी में जो है डूब चुका है। तो उसके बाद मैंने उन लोगों से बात करी, बात करने के बाद पता लगा कि उसकी जो बॉडी है वो मिल चुकी है। पहचान के लिए मुझे बुलाया गया था, तो मैं उसके बाद फिर जे हॉस्पिटल गया। वहाँ उनके डॉक्टर्स एंड जो उनके डिपार्टमेंटल कंपनी के डिपार्टमेंट के जो नुमाइंदे थे उनसे बात करी, और उनसे बात करने के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन करवाया। फिर डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद फिर उसके जो बॉडी है बॉडी को फिर मैंने उसका मुलायजा किया। मुलायजा करने के बाद मुझे कुछ पहचान चलने के साथ मुझे मतलब समझ आ गया कि ये बॉडी जो है अजय राणा की ही है। तो उसके बाद फिर बॉडी मेरे हैंड ओवर कर दी गई है, उसके साथ साथ फिर मैंने उसका अंतिम संस्कार बॉम्बे में ही करवाया। जहरीखाल ब्लॉक मुख्यालय में दीपक भंडारी ब्लॉक प्रमुख के द्वारा हंस फाउंडेशन के सौजन्य से दिए गए कोरोना उपकरण को वितरित किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहरीखाल को ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, 50 पीपी किट, 10 थर्मल स्कैनर, 10 डिजिटल थर्मामीटर, 10 ऑक्सीमीटर, कोविड मेडिसिन किट, 80 सहित मास्क और सैनिटाइजर को वितरित किया गया। कोरोना महामारी जो आज सारे देश में फैली हुई है, मेरे द्वारा हंस फाउंडेशन को जो है संपर्क किया गया कि हमें जो है कोरोना महामारी से बचाव के लिए मेरे विकासखंड जहरीखाल में कुछ राहत सामग्री जैसे आपके ये नेमुलाइजर है, आपके सैनिटाइजर है, मास्क है, मेडिकल किट हैं, पीपी किट हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहरीखाल को आवश्यकता थी, ये मांग रखी गई। हंस फाउंडेशन के द्वारा मुझे ये एक सामान जो है उपलब्ध कराया गया। मेरे द्वारा आज ग्राम सभा प्रधानगण, कुछ आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियाँ और न्याय पंचायत जहरी की आशा कार्यकर्ती बहनों को ये सामान उपलब्ध करा दिया गया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार, ये है मेरा उत्तराखंड।